जिला कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ गया। घटना से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह जब एक पदाधिकारी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनको फर्नीचर टूटा पड़ा मिला और नेताओं के पोस्टर फटे मिले। उन्होंने तत्काल जिला अध्यक्ष को जानकारी दी, पुलिस को दी तहरीर में। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने एक सर्राफ पर आरोप लगाए हैं कि गुरट्टी चौराहे पर जिला कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है जहाँ लोगों ने तोड़फोड़ की है। बुधवार को जिला कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव राजेश पाल पार्टी ऑफिस से कुछ अभिलेख लेने पहुंचे तो वहां पूरा दफ्तर का सामान टूटा मिला। कुर्सी मेज जहां तहां फीकी मिली तो वही पार्टी नेताओं के पोस्टर बैनर फटे मिले। तत्काल इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर को दी गई, जिस पर उन्होंने पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद से इसे साजिश के तहत जितने फ्लैक्स हैं हमारे और इधर को कहा है आपके राजस्थान में इन्होंने बाहर से जैसे खुला तो ये अंदर ही ना तो मुझसे इन्होंने फोन किया इसके ये मतलब ये पर थोड़ी तो नहीं ये लाइट टूटी पड़ी है ये आपके 70 साल से यहाँ पर हमारा पार्टी का काम कर रहा है ना हमें आज तक किसी ने ये काम किया हमारा है लाइट बिल्कुल नहीं है। पार्टी का कार्यालय बंद था, पुलिस आ चुकी है। वाइट ये बैनर इस प्रकार से फाड़ रखे हैं और ये दो पंखा देखो, पंखे का पर देखो, ये देखो भाई ये देखो ये मतलब थोड़ा गया और ये देखो थोड़ा गया बंद कर दिया ये वाला दरवाजा खुला हुआ है तो यहाँ पर कनेक्शन लगाने आए हैं तो नीचे जो लैंडलॉर्ड है परनीत सिंह लैंडलॉर्ड है सोनी जी के जो उसने उसकी शिकायत से मैंने उसकी कॉपी जो आपसे नहीं अगर कदम कदम कर क्यों नहीं करता लेकिन आज ये अच्छा नहीं है आज आपके सामने है अगर आपके साथ इसके खिलाफ नहीं हुआ मुकदमा या अगर जेल हो गया तो हम बिल्कुल सुनवाई करेंगे बैठ जाएंगे ये पत्थर। मेरा नाम विनोद गुम्बर है, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और अभी डीएम साहब के कार्यालय से एक हम पे नोटिस चुनाव से संबंधित आया था। उसको प्राप्त करने के लिए मैंने अपने ऑफिसर राजेश पाल को यहाँ भेजा। राजेश पाल जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव है। जैसे ही उसने जीने का ताला खोला ऊपर आया तो ये अंदर नहीं गया, इन अंदर वहीं से मुझे फ़ोन कर दिया कि भाई साहब आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ मुझे पार्टी कराने में तोड़ फोड़ सी कुछ उसको नज़र आ रही है। मैं तुरंत आया, देखा ऑफिस की सारी कुर्सियाँ तितर बितर हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, मेज उल्टी सीधी है, दरवाजे खुले हुए हैं, बिजली के जितने कनेक्शन हैं उनके सारे बोर्ड टूटे हुए हैं, वाशरूम की शीट टूटी पड़ी है और बाहर जो छज्जा है छज्जे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जैसे ऊपर दीवार है दीवार से बहुत सारी मिट्टी ऐसे करके नीचे फेंकी गई है जैसे उसको किसी चीज़ से खुरदा गया हो। और हमारा इसका विवाद नीचे एक वीके ज्वेलर्स वाले हैं आकाश रस्तोगी, वो इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। 70 साल से ये 70 साल से पार्टी का ये कार्यालय है। मेरे से पहले करीबन 10-12 और जिलाध्यक्ष रहे हैं और वो चाह रहा है कि ये ऐसी इसको मैं जर्जर अवस्था में दिखा के ये इनसे खाली करा लूँ। 70 साल से हमसे कोई भी इसका हमसे उसमें किराया नहीं ले रहा है। ये आकाश रसोगी एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। नीचे जितनी दुकानें हैं इन सब दुकानदारों को डरा कर धमका कर ये उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर ही कब्जा कर लूँ। अभी 5-7 दिन पहले जैसे मुझे ज्ञात हुआ है अभी कि ये वहाँ पर ये गया नगर निगम में किसने एप्लीकेशन दी कि ये सारी संपत्ति मेरी है और ये सारी की सारी गिराई हालत में क्या और ये वाली सारी दुकानें मतलब खाली कराई जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक दफ्तर 70 साल से जो हमारे पास है, हमसे कोई पार्टी इसका आज तक किसी ने इसका हमसे आज तक ना कोई हमें भेजा नोटिस भेजा है ना ही किसी ने ये कहा है कि ये वाला ऑफिस किसका है। मुझे करीबन 8 महीने हो गए जिला अध्यक्ष बने को और मेरे से पहले आपके ए पी सिंह थे वो 8 साल अध्यक्ष रहे, उनसे पहले देशराज शर्मा थे वो 8-9 साल रहे, उससे पहले आपके अजय सारा सोनी थे वो सब रहे हैं। देशराज शर्मा जी, सोनी जी
और आपके शिवेंद्र त्यागी, फूल कुमार जी, कैसे ताला खोला था? तो जीने का जब ताला खोला तो राजेश पाल ने ऊपर आके मुझे तुरंत फोन कर दिया कि भाई साहब ऑफिस की सारी कुर्सियां और मेज तितर बितर पड़ गई, टूटी हुई, उसके अंदर चार पांच कुर्सियां टूटी हुई हैं, बाकी सब उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। ये इसके ऊपर ये आपका वीके ज्वेलर्स का मालिक आकाश रस्तोगी इस पे कब्जा करना चाहता है। उसके दिमाग में ये है कि इसका पार्टी का किराया, इसका कोई भी मतलब लैंडलॉर्ड नहीं है, तो हम ही इस पे कब्जा कर लें। फर्जी उसने कागज बना रखे हैं। अगर वो उसका मालिक है तो वो हमसे इसका मतलब किराया क्यों नहीं लेता, और आज तक उसने हमें नोटिस क्यों नहीं भेजा? ये जिस प्रकार से वो हरकत कर रहा है, ये अच्छे व्यक्ति के नहीं है। ये व्यापारी के रूप में एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये बिल्कुल पार्टी कराले पे जो ये इसने हालात किए हैं, ये आप देखिए सामने है, बिजली की सारी तारे तो इन्हें इसने तोड़ दिए। कोई हमें भाई नीचे दुकानदार पानी का कनेक्शन देता है तो वो आगे मल काट देता है, कोई हमें उस बिजली का कनेक्शन देता है। अभी मैंने इसमें नया बिजली का कनेक्शन लगवाया प्रीपेड, तो इसने हमारे पीछे से जब वो तार यहाँ पे जोड़ने आए तो इसने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। तो आपने कोई इससे पहले तहरीर? 20 या 25 फरवरी को एक तहरीर मैंने कोतवाली में दी। क्या तहरीर थी? उसमें तहरीर थी कि ये एक बहुत बड़ा भूमाफिया है, ये अगर इसकी है तो ये हमसे मतलब किराया क्यों नहीं लेता और हमें उसको नोटिस क्यों नहीं देता? ये हमारा बिजली और पानी नहीं रोक सकता, हम इसके अंदर 70 साल से हम इसके अंदर बैठे हैं। तो पुलिस ने इसमें क्या करा? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद लग गया कोरोना हो गया, हम भी आपका लॉकडाउन हो गया। और अभी 3 दिन पहले नी और जी पर हमने ज्ञापन दिया था, मैं खुद स्वयं यहाँ पर था और 1:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस को बंद करके गया हूँ। एक एक कुंडी अपने हाथ से लगाई है, इसके अंदर झाड़ू पोंछा कुर्सियों को अच्छी तरह जोड़ के रखा है मैंने। देखिए मौके पर मैं गई थी और कुछ छोटा मोटा ट्यूबलाइट्स और पंखे के टूटने की बात है और घटना का संज्ञान ले लिया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैसे कुर्सी लॉट पलट हुई भी थी और टेबल भी लॉट पलट हुई? हाँ जी, तो घटना का संज्ञान ले लिया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।